हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बाइट स्लेट पढ़ाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 का आज लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग बचे हुए 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले दो पार्ट्स में हम लोग 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो वो दोनों पार्ट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाकी सारे लेक्चर्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ आए। सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जो हम लोग पिछले लास्ट दो क्वेश्चन किए थे हमने 17 और 18 उसके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 17 और 18 के जो हमने पहले किया था उसके। हमें कुछ नहीं करना है, बस साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना है। साइन ए प्लस बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस, साइन की जगह मैंने एस लिख दिया है, कॉस की जगह सी लिख दिया है, कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ए माइनस बी हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन 2 हो जाएगा माइनस एक्स। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। कॉस माइनस एक्स से कॉस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x अपॉन कॉस 2x मेरे पास डायरेक्टली टेन 2x बन जाएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह एज सिंपल एज दैट, कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं डिराइव की हैं उनका उनको यहाँ पर पुट कर दिया। एक और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने है, फिर से हमें साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी पुट करनी है। लेकिन नीचे जैसा कि आप देख सकते हो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से लिख के सॉल्व हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी हम लोग पहले स्टेप में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर के लिए हमें एक और फार्मूला पता है। आपने अगर पढ़ा हो तो कॉस टू एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने डिराइव किया था। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस टू एक्स। तो हो सकता है यहाँ पर हमें सिर्फ माइनस कॉस टू एक्स लिखना हो, और हो सकता है कि हमें पूरा ऐसे लिख के साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लगा के इसको सॉल्व करना पड़े। लेकिन क्या करना है वो बाद में देखेंगे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करके हमें आइडिया मिल जाएगा कि डिनोमिनेटर के साथ हमें क्या करना है। तो ऊपर हम सॉल्व करा, साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, मतलब कि साइन माइनस एक्स। ठीक है, देखो कॉस टू एक्स बन गया ना यहाँ पर, और हम कॉस टू एक्स बना रहे थे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, तो हम कॉस टू एक्स वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ नीचे मेरे पास बन रहा है माइनस का कॉस टू एक्स, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर इस माइनस को मुझे हटाना है तो एक माइनस यहाँ पर देना पड़ेगा। अब इस कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा प्लस का 2 साइन एक्स, और यही मेरा आर एच एस है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सारे पिछले 2-3 क्वेश्चंस की तरह ये भी एक लाइन में सिर्फ हमारी आइडेंटिटी पुट करने से सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये है। इसमें मुझे दिख रहा है जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं ऊपर 3 चीज़ें और नीचे 3 चीज़ें ऐड हो रही हैं, लेकिन हम लोग एक बार में 2 ही चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें ऐड करने में क्या होगा कि हम लोग ऑप्टिमम पेयर बनाएंगे। 4 और 2 6x और अपॉन 2 आता है फॉर्मूला में ए प्लस बी बाई 2, तो उससे 3 आएगा। तो 4 और 2 का पेयर बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर 4 और 2 का पेयर बनाएंगे ताकि इस 3 के साथ कुछ हो। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस, इन दोनों के लिए लगा रहा हूँ मैं, ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और प्लस का ये कॉस 3x एज इट इज़। ऐसे ही नीचे बात करें तो इन दोनों के लिए लगाएंगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और साइन 3x बीच वाला एज इट इज़। कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है, तो माइनस एज इट इज़ हटा दिया मैंने। अब ऊपर मेरा कॉस 3x कॉमन आ रहा है और नीचे मेरा साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो कॉस 3x को कॉमन लेते ही मेरे पास बना 1 प्लस 2 कॉस एक्स, और ऐसे ही नीचे साइन 3x को कॉमन लेते ही मेरे पास बचा 1 प्लस 2 कॉस एक्स। बहुत सिंपल हो गया ये, तो 1 प्लस 2 कॉस एक्स आपस में कट गया, कॉस 3x अपॉन साइन 3x बन गया कॉट 3x, और यही मेरा आर एच एस है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हमने देखा 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
सिर्फ आइडेंटिटी पुट करनी थी हमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equal to 1। अब इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे बनती है, देखो अप्रोच हमें ऐसे बनानी है कि हम 3x को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस वाले टर्म्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो पहले मैंने cot x और cot 2x को एज इट इज़ ले लिया, कॉमन में इसमें से भी ले सकता था, लेकिन मैंने इसमें से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो इसमें से कॉमन में क्या ले सकता हूँ, cot 3x कॉमन ले सकता हूँ, तो cot 3x कॉमन लेते ही मेरे पास बचा, माइनस में मैंने ले लिया था, तो cot x प्लस cot 2x। अब बात ये है कि cot x प्लस cot 2x मुझे कैसे भी कुछ करके मतलब इसको सॉल्व करना है कि कुछ और किसी कंडीशन तक पहुँच पाए हम लोग। तो अगर आपको cot ऐसा याद हो, cot a प्लस बी का फॉर्मूला याद हो, तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला है cot a cot b माइनस वन अपॉन cot a प्लस cot b, ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस cot b का। तो अगर मैं इस 3x को 2x प्लस x लिखूं तो नीचे मेरे पास cot x प्लस cot 2x बन जाएगा, कैसे देखो, अगर इस cot 3x को हम लोग लिखें cot 2x प्लस x, तो ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot x cot 2x माइनस cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो कि है cot 2x इंटू cot x माइनस वन अपॉन cot x प्लस cot 2x, और यही मेरा यहाँ मल्टीप्लाई में भी लिखा हुआ है, देखो cot x प्लस cot 2x, तो ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, मेरे पास बचा cot x इंटू cot 2x माइनस cot x इंटू cot 2x माइनस वन, ठीक है। तो ये और इस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस वन के प्लस वन बन जाएगा, जो कि है RHS। बिल्कुल सिंपल था, बस हमें थोड़ा सा ये सोचना था, अप्रोच हमारी ये थी, मैं आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देना मेरा काम नहीं है। अप्रोच ये थी कि दोनों में माइनस दिख रहा था मुझे, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि तीनों में मेरे को कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में माइनस है, तो इसमें से माइनस cot 3x मैंने कॉमन ले लिया। फिर मैंने देखा कि 3x को मैं कुछ इस तरह से तोड़ पा रहा हूँ बड़े आराम से, कि डिनोमिनेटर जो बन रहा है मेरा वो इससे कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस x लिखने से, तो मैंने उस तरह से तोड़ा, और इसको आपस में कैंसिल करते ही मुझे और कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप मेरा आंसर प्लस वन आ गया, वही मेरा RHS था। ओके तो नेक्स्ट तीन क्वेश्चन जो हैं हमारे 23, 24 और 25, तीनों में सेम अप्रोच लगेगी, इसलिए पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। जब भी हमें ऐसा दिख जाता है tan 4x, cos 4x, sin 3x, तो हम यही वाली आइडेंटिटीज़ लगाते हैं जो हमने पढ़ी हैं। पर आप कहोगे कि हमने tan 4x की आइडेंटिटी तो पढ़ी नहीं है, हमने तो पढ़ी है tan 2x की आइडेंटिटी। तो मैं कहूँगा tan 2x पढ़ी है तो tan 2x ही लगा दो यहाँ पर। tan 2x कैसे लगाओगे, आप इसको लिख सकते हो tan 2 इंटू 2x, तो अब ये 2x एक एंगल है और ये 2 नंबर है, तो tan 2 और x की जगह 2x है, तो tan 2 सबसे पहले तो tan 2a का फॉर्मूला देखो क्या होता है, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। तो अब 2a, a की जगह क्या है हमारे पास 2x है, तो a की जगह 2x लिख देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास बन गया 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब tan 2x का फॉर्मूला दोबारा यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि इससे तो मेरा आंसर आ नहीं गया, तो आंसर लगाने के लिए इस tan 2x में भी फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x की जगह क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x, एक 2 भी लगेगा यहाँ पर, 2 tan स्क्वायर x अपॉन, देखो सही से लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 tan x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस पूरे के नीचे क्या आया 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो tan 2x क्या है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और क्योंकि यहाँ पर tan 2x का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर, तो ये पूरा मेरे पास आया, और इसको सिंप्लीफाई करके मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज़रूर आएगा, तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास बना 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x
और ये पूरा नहीं, टू मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सीधा सीधा ऊपर देखो, तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 minus tan square x, और नीचे बना 1 minus tan square x का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 minus tan square x का होल स्क्वायर, इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये 10 square x, और इस पूरे के नीचे आएगा 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यहाँ पर भी बना लेते हैं, होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 minus tan square x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। अब ये 1 minus tan square x और ये आपस में कैंसिल हो गए, ऊपर मेरे पास बचा, देखो वही बन गया, बिल्कुल सही बना है, 4 tan x into 1 minus tan square x, यही बन रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, मतलब शायद मेरा आंसर यहीं पे आ गया। और नीचे 1 minus tan square x का होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले 1 का square 1 plus 10 square x का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4 x, माइनस 2 times 10 square x, और माइनस का 4 tan square, तो माइनस 2 और माइनस 4 हो जाएंगे -6 tan square x, सीधा यहीं लिख देते हैं, 1 plus 10 4 x plus 10 4 x, और -6 -6, बिल्कुल यही जो है हमारा RHS के इक्वल आ गया है। हमने अप्रोच कैसे बिल्ड करी, 10 4 x हमें नहीं आता था, हमें 10 2 x आता था, तो 2 की जगह मैंने 10 4 x की जगह 10 2 of 2 x निकाला, फिर दोबारा 2x आया तो उसमें दोबारा 10 2x का फॉर्मूला पुट किया, और उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया और RHS अपने आप आ गया। ऐसा ही बिल्कुल सेम हमारे अगले दोनों क्वेश्चन में होना है, 24 और 25, ये 10 के लिए था, वो साइन और कॉस के लिए है। देखिए इस क्वेश्चन में एक तो मेथड वही लग रहा है जो अभी मैंने पिछले में बताया कि कॉस 4x को आप कॉस 2 of 2x में तोड़ के करो, लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ और बड़ा सिंपल सी चीज़ दिख रही है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। मैं RHS लेके चल रहा हूँ, तो RHS मेरे पास क्या है, 1 माइनस, इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, 4 sin x sin square x cos square x, ये दिख रहा है मुझे। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 minus 2 into 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस 4 को भी मैंने 2 square लिख दिया, फिर तीनों स्क्वायर बन गए, तो स्क्वायर कॉमन लेके 2 sin x cos x का होल स्क्वायर लिख दिया। 2 sin x cos x मुझे पता है क्या होता है, 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो यहाँ पर मेरे पास बचा 1 minus 2 sin 2x का स्क्वायर, या फिर sin square 2x बोल सकते हैं इसको। अब मुझे एक और आइडेंटिटी पता है, 1 minus 2 sin square theta होता है cos 2 theta, ठीक है, cos 2 theta क्या होता है, cos 2 theta होता है 1 minus sin square theta, 1 minus 2 sin square theta, theta यहाँ पर क्या है, 2x है, तो यहाँ पर थीटा की जगह 2x लिखूंगा, तो ओवरऑल cos 4x बन रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास बन रहा है 1 minus 2 sin square 2x, ये बन रहा है, अगर 2x को मैं थीटा मान लूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 minus 2 sin square theta, और 1 minus 2 sin square theta क्या होता है, cos 2 theta, क्या होता है, cos 2 theta, और थीटा को मैंने क्या माना था, यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ माना था, यहाँ माना था, लेट 2x इज इक्वल टू थीटा, आपको हालांकि ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, 2x पुट कर दोगे, तो मेरे पास आएगा cos 2 into 2x, मतलब कि cos 4x, और यही मेरा LHS है। तो मैंने फिर से RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव कर दिया, इस बार मैं उल्टा चला, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा मेथड वो लगा सकते हो जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, cos 4x को cos 2 of 2x लगा सकते मैं लिख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मुझे ज़्यादा आसान लगा, सामने सामने दिख गया था प्रैक्टिस की वजह से, तो मैं ये वाला आपको दिखा दिया। ये लीजिए, ये मेरे सामने आ गया है, अब यहाँ पर 6x है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं cos 2 into 3x में तोड़ लूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 6x वगैरह बन रहे हैं मेरे, क्वेश्चन यही है, हाँ ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे बन रहे हैं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास पावर 6 बन रही है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ। cos 3x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, 4 cos cube x minus 3 cos x, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं
किसी ना किस तरह से सॉल्यूशन पे पहुंच पाऊं। तो पहले ये वाला लगा के देख लेते हैं, अगर इससे नहीं आएगा तो हम वो लगा लेंगे। तो मैं इसको लिख दूंगा cos 3 ऑफ 2x। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला वो है, तो सीधा सीधा LHS लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 cos cube x, एक्स क्या है यहाँ पर 2x है, माइनस 3 cos x, और x यहाँ पर 2x, ठीक है। अब cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर में सब जगह cos 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 है, तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x minus 1, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा 4 cos 2x की जगह लिखेंगे 2 cos square x minus 1, इस पूरे का क्यूब, माइनस 3 cos square x, 2 cos square x minus 1, ये लिखा। अब 4 cos square x minus 1, इस पूरे का क्यूब, माइनस यहाँ तो सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है, देखो 3 2 6 cos square x plus 3। अब a माइनस b का होल क्यूब आपको आना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें लिखना है a माइनस b का होल क्यूब, या फिर a माइनस b का होल क्यूब अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो ऐसे, 2 cos square x minus 1 का square into 2 cos square x minus 1, ठीक है। वैसे तो a माइनस b का होल क्यूब भी याद होना चाहिए, बट नहीं है, तो एक स्टेप बढ़ा के हम लोग अलग अलग स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब a माइनस b का होल स्क्वायर तो याद है ही आपको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2ab, और 2 यहाँ पर भी है तो 4 cos square x into 2 cos square x minus 1, और ये पूरा हो जाएगा माइनस 6 cos square x plus 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो इसको सॉल्व करके आएगा 4 into 2 cos square x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, और cos की पावर 6x, 2 cos square x इससे मल्टीप्लाई होगा तो सीधा 2 cos square x minus, इससे होगा तो 8 cos 4x, माइनस 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बन जाएगा माइनस 4 cos 4x minus 1 प्लस 4 cos square x, और इस पूरे के साथ है माइनस 6 cos square x plus 3। तो अब देखो यहाँ पर आपस में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर भी पावर 4 है, 6 की और कहीं पे बन रही है, नहीं बन रही है, तो सीधा सीधा 4 into 8 cos की पावर 6x, 4 यहाँ पर बन रही है और 4 यहाँ पर बन रही है, माइनस 8 और माइनस 4 हो जाएंगे माइनस 12 cos 4x। ऐसे यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, दोनों प्लस हैं, ये 4 है और ये 2 है, तो ये बन जाएगा प्लस 6 cos square x, ठीक है। और इस पूरे के साथ ये माइनस 6 cos square x plus 3। अब इसके आगे मेरे पास आएगा 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो आया 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 4 6 24, लेकिन ये 6 माइनस हो रहे हैं तो प्लस 18 cos square x plus 3, तो 32 cos 6x सही बना मेरा, 42 cos 4 भी सही बना और 18 भी सही बना, पर प्लस 3 आ गया मेरा, तो प्लस 3 क्यों आया, प्लस 3 इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि ये देखो 4 यहाँ से माइनस 4 भी एक दे रहा है हमें, तो यहाँ से माइनस 4, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। और यही मेरा RHS है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और मार्कर किंग भी ख़त्म हो गई। तो देखो 4 यहाँ से समझ आ जाएगा ना आपको, 4 और ये माइनस 1, ये माइनस 4 दे रहा है, माइनस 4 इस प्लस 3 के साथ मिलके माइनस 1 दे देगा, और यही मेरा RHS है। तो इसके साथ हम लोग हमारी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, सिर्फ एक टॉपिक और बचा है इक्वेशन सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो अगले लेक्चर से हम लोग उसका थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन दिए हुए नंबर से। और बाकी अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर दीजिए। ओवर एंड आउट।